नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और ये आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो है कक्षा 10वीं में गत वर्षों में मीन्स प्रीवियस ईयर में जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। पहला है मोहन स्पेस मतलब रिक्त स्थान हिज वर्क ब्रैकेट में दिया गया है डू कॉमा डज 2011 में इसको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मोहन यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब रहता है तो सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन डज सही रहेगा। नेक्स्ट है आई रिक्त स्थान ए टाइगर यस्टरडे सी और सा। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ऑप्शन में सी सा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दी गई है। तो इसमें एक कीवर्ड दिया गया है यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब पास्ट, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ईट रिक्त स्थान एप्पल ब्रैकेट में दिया गया ए एन द, कई बार वह ए एन द न लिखते हुए यहाँ पर लिख देते हैं यूज ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल का अर्थ भी यही है कि ए एन द में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं स्पेशली ए और एन का, तो हम उस वर्ड के प्रोनंसिएशन को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रोनंसिएशन है वो है एप्पल, ए जो हिंदी वर्णमाला का स्वर है, और हिंदी वर्णमाला के स्वर से यदि किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत होती है तो हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है शुरुआत में रिक्त स्थान है सन राइजेस इन द ईस्ट, ए एन द का प्रयोग करना है। तो सन एक प्लेनेट है और हमने जब द का प्रयोग पढ़ा है तो द के प्रयोग में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई यूनिक चीज हो, यूनिक वस्तु हो, यूनिक नाम हो, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है इसमें शुरुआत में रिक्त स्थान है देयर इज लाइफ कॉमा देयर इज होप, तो यहां पर इसमें आएगा रिक्त स्थान देयर इज लाइफ कॉमा देयर इज होप एज लॉन्ग एज या एज सुन एज का प्रयोग करना है। तो एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही, और इसको यदि आप देखें पूरे को देयर इज लाइफ देयर इज होप मतलब जहां चाह है वहां राह है, या जहां जीवन है वहां उम्मीद है, तो यहां पर एज लॉन्ग एज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड अराइव्ड रिक्त स्थान वी रीच एट द स्टेशन, ऑप्शन में दिया गया है आफ्टर और बिफोर, तो आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, बिफोर का अर्थ होता है पहले। द ट्रेन हैड अराइव्ड ट्रेन पहुंची मतलब वहां पर आई, वी रीच्ड द स्टेशन हम स्टेशन पर पहुंचे उसके पहले भी आ सकती है बाद में भी आ सकती है, तो एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर है बिफोर मतलब पहले, तो इसमें क्या आएगा बिफोर आएगा। नेक्स्ट है दे लिव माफ कीजिएगा ही गोज रिक्त स्थान स्कूल, तो इसमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट है दे लिव रिक्त स्थान मुंबई एट इन और टू, तो इन और एट का जो प्रयोग होता है वह होता है, इन का प्रयोग होता है बड़ी जगह के लिए और एट का प्रयोग होता है छोटी जगह के लिए। तो मुंबई एज एज वी नो ये बिग सिटी है, तो इसमें इन आएगा। नेक्स्ट है मोहन वाज वेरी टायर्ड डॉट सो ही रिक्त स्थान टू बेड अर्ली गो वेंट और गॉन और गोइंग, तो यहां पर देखिए कीवर्ड है वाज, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है, और ये पास्ट इंडेफिनेट का है तो नेक्स्ट वाली जो इवेंट है वो भी पास्ट की होगी, तो यहां पर हम वेंट का प्रयोग करेंगे। 2012-2015 में पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है द सन रिक्त स्थान इन द ईस्ट राइजेस राइज और राइज्ड, तो इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट में होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होता है वो प्रेजेंट में होता है, तो इसमें राइजेस का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा वीडियो था ये इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स के लिए था, जो कि कक्षा 10वीं में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।